शाश्वत सुवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर। जटा कटंग संभ्रमं भ्रमन्नलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति रति क्षण। योगराज ये क्या कर रही है आप? छोड़िए हमारे ठाकुर साहब, छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। कुछ नहीं योगराज। ठीक ठीक है, आप सॉरी सर। सर ये हमारे ठाकुर साहब हैं। सॉरी ठाकुर साहब, वो क्या है, माँ को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं, उनकी तबीयत जरा खराब है। आई एम रियली सॉरी, इट्स सॉरी सर, इट्स ऑल। हां माँ? नहीं माँ, माँ योगराज नहीं है, माँ ठाकुर है, ठाकुर साहब है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने कोई भेष नहीं बदला है, मुझे जलाया है, मुझे सूरज ने जलाया है। वो सूरज ने नहीं, वो अपने सूरज ने जलाया है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचा। किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिसने मुझे भी बचाया और आपके सवाल का जवाब भी दे दिया, जो आपको बहुत परेशान करता था कि सूरज आपके पीछे क्यों पड़ा है। हाँ गोगे, जब मैं होश में आया तो ये डॉक्टर को मैंने सूरज के बारे में कुछ कहते हुए सुना। सूरज? तब मैंने दबाव डाला तो कुछ ऐसा पता चला कि आप बताइए ना। मेरा दिल तो कहता है कि ठाकुर योगराज है, क्योंकि जब भी हम योगराज को ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से ठाकुर बीच में आ जाता है। हाँ सूरज, लेकिन सिर्फ शक। अरे सबूत भी मिल जाएगा, कभी कभी मुजरिम का डर खुद उसके जुर्म का सबूत बन जाता है। हेलो योगराज। कौन योगराज? वही योगराज जिसने कई साल पहले इसी धर्मपुर में ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी और फिर उनका गला काट दिया। मुझे लगता है कि आपने कोई गलत नंबर डायल किया है, यहां पर कोई योगराज नहीं रहता, यह ठाकुर राजवीर सिंह का घर है। योगराज, तुम ठाकुर बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम आ गए। मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सुनो, तुम्हारे गंदे कामों का सबूत है मेरे पास, सौदा करना चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी का, सिर्फ 50 लाख। आज शाम को ठीक 5 बजे रॉयल क्लब में टेबल नंबर 10 पर रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना इन तस्वीरों के खरीदार और भी हैं। हेलो हेलो हेलो, अब अगर वो या उसका कोई भी आदमी वहां पर पहुंच गया तो उसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर ही योगराज है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले इस पुरुष समाज को एक नया Thank you.
वैसे तो पहली मुलाकात में मैं तुझे देख के सोच में पड़ गया था कि बाबूजी जैसी नरम चीज ने सूरज जैसी इतनी गर्म चीज को कैसे पैदा कर दिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि तू तो नाजायज औलाद है। इतना गुस्सा, एक सच्ची बात पे इतना गुस्सा। सूरज आज तेरी मौत तय है। क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता? ध्यान से देखो, आज मेरा चेहरा मेरी जुबान का साथ दे रहा है। मानना पड़ेगा तुझे, आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया कि मैं योगराज हूं। जिस योगराज से लोग आंख मिलाते हुए डरते हैं उसके ऊपर तूने हाथ उठाया। बहुत गलत अंदाज लगाया तूने मेरी ताकत का। तू बुज़दिल और कायर है, औरत की आबरू तो लूटना जानता है, लेकिन उस पाक के अंश से जिस तेजाब का जन्म होता है उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर, इसलिए मुझे बांधकर हीजड़े की तरह पेश आ रहा है। क्या कहा तूने? ये जुड़ा तेरा इस दुनिया में होना तेरे शब्दों का साथ नहीं देता सूरज। वाकई बहुत जान है तुम्हें, तू बिल्कुल अपनी मां पे गया बेटा। पता है वो भी बहुत जानदार थी, शराब के प्याले की तरह एकदम नशीली, पूर्णिमा के चांद की तरह जवान, खोलते कड़ाए की तरह एकदम गर्म। निहत्था आदमी तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स की पकड़ में नहीं आ रहा, लानत है तुम्हारे ऊपर। ठाकुर साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तो बिल्कुल जैसे भी हो ढूंढो उसे, इसके पहले कि वो कुत्ता हमें काटे उस कुत्ते को काट डालो, समझे? ठीक है ठाकुर साहब। सूरज तुम फौरन वो जगह छोड़ दो। एसपी राणा को तुम्हारा पता चल गया है और वो तुम्हारा एनकाउंटर करने निकला है। और सुनो सूरज, पुलिस के सामने ठाकुर का पर्दाफाश हो गया है। उसकी फिंगरप्रिंट से साबित कर दिया है कि वही योगराज है, लेकिन वो फरार है। सूरज बाहर निकलो, गाड़ी छोड़ो। ये चांस we'll be right back.
आप सभी से निवेदन है कि इस ट्रेन में ना चढ़े। जब तक चल नहीं तो तेरे दोनों बेटों को गोली मार दूंगा। जो प्यार तुझे मिलना चाहिए था मैं तुझे ना दे सकी। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, इस वक्त बोल माँ, देख आज मैं कितना खुश हूं, अपनी माँ की गोद में हूं।